जिस तरह देखने को मिल रहा है, हमको पक्का यकीन है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से फरीदाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, जैसे कुछ गांवों में थोड़ी नाराजगी भी है, तो उसको नाराजगी को दूर करने के क्या प्रयास हो रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, नाराजगी किससे होती है जी? अपनों से होती है, गैरों से नहीं होती जी। उनको लगता है किशन पाल हमारा अपना है तो इसलिए नाराज हो सकते हैं जी। और मेरी जब अपने हैं तो अपनों को मनाना मैं जानता हूं। वो न किशन पाल उनसे अलग है, न वो किशन पाल से अलग है। जो लोग फरीदाबाद लोकसभा है उसमें जो सबसे आगे आपका प्रतिद्वंद्वी है, जिसे आप अपने आप टक्कर मानते हैं, वो कौन सा कैंडिडेट है? देखिए, दूर दूर तक पूरे देश में न मोदी का मुकाबला है जी, ना यहाँ लोकसभा में किसी से मुकाबला है। यानी फरीदाबाद में मतलब एक तरफा तूफान चल रहा है मोदी जी का जी, और उस तूफान के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, ये मुझे पक्का यकीन है जी। अच्छा, आप जो फरीदाबाद लोकसभा के लिए आगामी क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमने फरीदाबाद के विकास को एक गति दी है जी, आगे उस गति को और तेज गति से फरीदाबाद का विकास करना है जी। हमारा एक ही संकल्प है जी, कि हमारा फरीदाबाद सबसे सुंदर हो, स्वच्छ हो, और जिस तरह नोएडा और गुड़गांवा पिछले सालों में हमको पीछे छोड़ के आगे निकल गए, हमारी इच्छा है कि फरीदाबाद आने वाले समय में नोएडा और गुड़गांवा को पीछे छोड़े और हम आगे जाए। मतों का अंतर अब की बार कितना रहेगा? पहले से ज्यादा होगा, और मुझे लगता है इस बार फरीदाबाद के लोग पूरे देश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। एक सेकंड, अब की बार गुजर साहब, 7 लाख बार गुजर साहब, एक कांग्रेस से जो अभी विधायक थे उनको सांसद की टिकट मिली है, वो कह रहे हैं कि जमानत जब्त करने का पूरी तैयारी में है। देखिए, ना मेरे से किसी की जमानत जब्त होनी है, ना किसी से मेरी जमानत। ये जमानत जब्त करने का काम 12 तारीख को क्षेत्र के लोग करेंगे, किसकी होती है ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। ये काम लोगों का है, ये मेरा और किसी दूसरे का नहीं है, ये लोग बताएंगे कि किसकी जमानत जब्त होती है। बहुत बढ़िया।